हाँ तो कैसे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोलो क्रिकेटर। और गाइस सर मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं आज से लगभग 4 महीने पहले भाई मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करता था। बट गाइस सर यहाँ पे हमारी बहुत तेज तूफान आती है और हमारी यहाँ पे सभी कुछ बिखर जाती है और पूरी कुछ टूट जाती है। तो आज के इस वीडियो में आज भाई अपन लोग इसको रिपेयर करवाने वाले हैं और फिर अच्छी तरीके से रिपेयर करेंगे और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। लिटरली जब मेरा ये टूटा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि भाई मैं बहुत मेहनत से बहुत सोच कर यहाँ पे अपना नेट्स लगवाया था, बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ा था, उसके बाद भाई मैं यहाँ पे नेट्स लगवाया था बट आंधी तूफान में वो टूट गई। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग छत पे नेट्स लगाने वाले हो तो भाई इसके बारे में एक बार कमेंट में जरूर जरूर बताना। तो देखिए आज की इस वीडियो में प्रारंभ कर ही लेते हैं। तो गाइस अभी एक बार इधर चेकआउट करो, इधर बहुत बढ़िया तरीके से हमारी सेहत बची हुई है बट अगर इधर बात करेंगे तो भाई पूरी तरह से टूट चुकी है। भाई अपने पास देखो भाई हमारी बाँस एक यहाँ से टूटी हुई है और एक वहाँ से टूटी हुई है और एक सबसे फर्स्ट से टूटी हुई है और इधर सब सही है। और गाइस आज इधर सभी बनवा लूँगा तो भाई हमारा नेट्स पूरी पहले की तरह अच्छी हो जाएगी और मैं फिर से यहाँ प्रैक्टिस करने लगूँगा और यहाँ पे फिर से बहुत सारे बैटिंग करूँगा, उसका वीडियोस भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो फटाफट एक आदमी आने वाला है जिसको बनाएगा अच्छी तरीके से, तो पहले देखते हैं वो कब तक पहुँचता है घर हमारे। सो ऑलरेडी से हमारे पास ये आदमी आए हुए हैं जो हमारे अभी बांस से जितनी भी हमारी नेट लगी है उसको हटाएंगे। उसके बाद जो ये कपड़ा देख रहे हो, कपड़ा की पूरी रस्सी बनाई जाएगी और हमारे बांस को बांधा जाएगा। तो ये सभी हमारी प्रोसेस होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वो सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। सो अभी हमारा नेट्स को उतारा जा रहा है और नेट उतारने के बाद हम लोग भाई बांस आएगा नया और बांस को फिर यहाँ पर बांधा जाएगा। तो अभी जो अंकल जो आए हुए हैं वो अभी नेट खोल रहे हैं चारों तरफ से और अच्छी तरीके से कि हमारा उसके बाद नेट वहाँ पर बांधाने वाला है फिर से। और वैसे अभी आपका आज का मौसम जो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, हमारे घर के पीछे का देखो कुछ माहौल कुछ ऐसा भाई, बादल देखो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है भाई। गाइस यार अभी अंकल को चढ़ने डर लग रहा है इसके ऊपर और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वैसे गाइस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सबको निकालेंगे। और भाई अभी इधर का भी मौसम देखो भाई, क्या प्यारा मौसम लग रहा है भाई, बादल के ऊपर देखो यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माहौल है। और हमारे इस साइड का हमारा नेट भी पूरी अच्छे तरह से निकल चुका है। सो अभी का जो सीन है भाई वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार है भाई। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इस साइड का नेट, ऊपर का नेट और इस साइड का नेट, पीछे का भी नेट, पूरा नेट हमने हटा लिया है। उसके बाद भाई अभी भी इस साइड का पूरा बांस टूटा हुआ है। तो भाई अभी बांस को काटने जा रहे हैं और बांस काटने के बाद भाई फिर बांस को लेकर आना भी है जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होने वाला है। और सीधा बांस ढूंढना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होने वाला है। तो भाई बांस को ढूंढना पड़ेगा अपन लोग को और हम लोग बांस को काटने के लिए जाने वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग को पीछे जो है वहाँ पर बांस का पेड़ और वहाँ से हम लोग काटेंगे सीधा बांस ढूंढ कर। जो लोग बनाने आए हुए थे वो चले गए हैं देखने के लिए और काटने के लिए बांस चले गए हैं। तो भाई इस साइड पूरा बांस टूटा हुआ है भाई, देखो बांस टूटा हुआ है। तो भाई ये सब को अभी फटाक से हटाया जाएगा, उसके लिए सवाल लगाया भी जाएगा। सो ऑलरेडी सर अभी अपन लोग हमारे घर पीछे जो हमारा बांस का पेड़ था भाई अभी ये लोग बांसवाड़ी में हम लोग आ चुके हैं। बट कैसे हम लोग यहाँ पे कुछ सीधा बांस मिल नहीं रहा है जिसे हम लोग कट करें और हम लोग अपने घर पर लेकर जा सके, छत पर लेकर जा सके। तो भाई हम लोग सोच रहे हैं भाई क्यों ना चले जाए हम लोग दूसरा किसी और के बांसवाड़ी में ढूंढे एक नया और एक बढ़िया बांस और एक सीधा बांस जो हमारे नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। अब गाइस हमारे घर से कुछ दूरी पे था एक और बांसवाड़ी, तो हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ पे ढूंढने लगे एक नया सीधा बांस। भाई वहाँ जाते ही पहले हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा पहले, और एक बांस की कीमत थी 150 रुपये, समझ रहे ना भाई, 150 रुपये का एक बांस की कीमत अभी टाइम हम लोग को मिला है। तो हम लोग फटाफट चले गए, बोले आपको मिल जाएगा छोड़िए भाई। तो हम लोग एक सीधा बांस को देख के उसको कट करने लगे। तो अंकल हमारे ये पहले कट कर रहे हैं और इसको कट करके हम लोग छत पे ले जाना है, सबसे बड़ा टास्किंग काम ये है। अभी हमारा ये कट हो चुका है, तो अभी जितने भी जितने पत्ते पड़े हुए हैं उन पत्ते को हटाकर फिर छत पे लेके जाना है। तो भाई ये इतना प्रोसेस होने वाला है फिलहाल अभी के टाइम में। तो अभी गाइस हमारे छत पे आ चुका है और जितने पुराने फटे पुराने बांस थे वो हटा दिए गए हैं और इसके ऊपर से अब हमारा जो नया वाला बांस है अब उसे लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें लगाने पे छत मतलब रेलिंग के ऊपर चढ़ गए हैं वो अंकल, उसके बाद इसको बांध रहे हैं अच्छी तरीके से। We'll be right back.
तो गाइस आज का कुछ सीन हमारा कुछ ऐसा होता है कि भाई फाइनली जो हमारी जितनी बांस टूटी हुई थी वो बांस तो लग गया बट नेट नहीं लगाया गाइस। कल यहाँ पे नेट्स लगेगा पूरी अच्छी तरीके से हमारे छत पे, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगा। तो अभी बस कुछ हमारा ऐसा कुछ सीन है फिलहाल का, पूरा नेट निकाल दिया गया और यहाँ पे बांस लगाया गया बस और कुछ नहीं। अब भाई मेरे को एक और दिन वेट करना पड़ेगा अपने यहाँ पे प्रैक्टिस करने से पहले, भाई ऐसे यहाँ बहुत दिन से यार नेट टूटी हुई थी, बट यार एक दिन और प्रैक्टिस कर लो, एक दिन और वेट करना ही पड़ेगा, तो यार क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब कल सुबह। सो और जैसे फाइनली भाई आप देख लो भाई पूरी अच्छी तरीके से हमारा फिर से नेट अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। और भाई अब भाई यहाँ पे अब कल से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं प्रैक्टिस यहाँ पे इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए मैं कल से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और पूरा अच्छी तरीके से हमारा नेट बन कर तैयार हो चुका है। अब बताओ भाई कैसी लग रही है भाई, पहले कितनी ज़्यादा गंदी लग रही थी हमारी छत और हमारी नेट भी, अब देखो कितनी अच्छी लग रही है। इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है भाई हमारे इस नेट्स के लिए, इलेक्ट्रली बहुत अच्छा नेट लगाया भाई। अब यहाँ पे साफ सफाई होगी हमारी, उसके बाद से हमारा ये हो जाएगा तैयार पूरा फाइनली अच्छी तरीके से।